हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू दी क्लास आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर नंबर टू के मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्टी एम ये चैनल पे मैंने गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये सीरीज स्टार्ट की हुई है इसमें मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्टी एम का वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आज हमारा ये चैप्टर नंबर टू है चैप्टर वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है अगर आपने उसको नहीं देखा अभी तक तो जाके उसको पहले देख लीजिए और चैप्टर्स को आप लोग सीक्वेंस में प्रिपेयर करिए ताकि चीज़ें समझना इजी हो जाए क्योंकि चैप्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं ताकि आप लोग अगर चैप्टर वन पहले करोगे तो इजीली आपको चैप्टर टू भी समझ में आ जाएगा तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर टू पहला एमसी है इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल अ वन पॉइंट इज वी सीधा है, इसमें कोई कैल्कुलेशन नहीं है चैप्टर में एक थियोरी है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जिसमें ये आंसर है चलिए नंबर टू वेन अ चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर वी हैव डैश अभी आपको एक चीज पता है कि अगर हम लोग किसी भी चार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ठीक है एक्सटर्नल फील्ड यहाँ से है ये तो अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो इसके अंदर आपको बताना है कि इन साइड प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड इन साइड द कंडक्टर वी हैव अभी आपको एक चीज पता है कि इन साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जीरो होता है और दूसरी बात आपको बतानी है पोटेंशियल पोटेंशियल जो होता है अंदर, होता है अभी है अंदर अभी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना आपका सरफेस पे होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री टू कुलम इलेक्ट्रिक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट टू सम अदर पॉइंट, वर्क डन डैश यानी समझ लो कि एक ये है, जिसका कुछ पोटेंशियल आपको गिवन है वी वन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वोल्ट यहाँ पे से एक चार्ज है टू कुलम जिसको आपको डिस्प्लेस करके ले जाना है जिसको आपको डिस्प्लेस करके ले जाना किसी दूसरे पॉइंट पे जहां पे पोटेंशियल है वी टू अब इसमें जो वर्क करना पड़ रहा है आपको वो है आपका टू हंड्रेड जूल तो आपको ये बताना है कि दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा आपको चार्ज को यहाँ से उधर ले जाना है ठीक है तो सिंपल सा आपको फॉर्मुला पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी अभी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल चलो वर्क कितना करना पड़ रहा है टू हंड्रेड चार्ज कितना है टू v2 बताना है और v1 कितना है आपका तो वो है माइनस ट्वेंटी ध्यान रखना इधर बीच में इक्वेशन में ही माइनस था और एक और माइनस उसके पोटेंशियल का आया चलो इसको टू को नीचे लाएंगे टू हंड्रेड बाई टू हो जाएगा हंड्रेड इज इक्वल टू वी टू प्लस ट्वेंटी हो जाएगा ये माइनस माइनस तो v2 कितना आएगा एटी वोल्ट वो ट्वेंटी इधर आके माइनस हो जाएगा v2 टू इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा एटी वोल्ट तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका एट्टी वोल्ट इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको चलिए नंबर फोर वर्क डन बाय कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट देखो ध्यान से सुनो कि यहाँ पे मान लो कि आपको एक जगह पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वहां पे आपको एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेके आना है रिपल्सिव फोर्स के अंडर यानी मुझे इसको लेके आना इधर और जो फोर्स लग रहा है इधर यानी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है अभी अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो आपको एक चीज़ पता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी डिक्रीज तो और जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है वही पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी तो आपको देखना है ऑप्शन में क्या है देखो मैकेनिकल एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हो सकती मैकेनिकल एनर्जी तो, तो कॉन्स्टेंट ये तो गलत पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज वो गलत हो गया काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स के अगेन जा रहा है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी तो यहां पे आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स के अगेन जा रहा है तो स्पीड उसकी धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी नंबर गिव डायमेंशनल फॉर्मुला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप लोग एक सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू यानी जस्ट हमने अभी ऊपर देखा ना W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V उस से आप लोग v को सब्जेक्ट बनाओ v is equal to w upon q वर्क का फॉर्मला क्या होता है तो वर्क होता है f into d upon q अभी फोर्स का क्या होता है मास into एक्सेलरेशन मास एक्सेलरेशन क्या होता है l1 t minus two displacement का l1 और चार्ज का a1 t1 तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा m1 l2 ऊपर t minus two तो है ही नीचे से t1 ऊपर आके वो minus one हो जाएगा तो यहाँ प और ए माइनस वन एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है M1, L2, T -3, a -1. हो जाएगा आपका आंसर नंबर सिक्स वेन पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉड टू हायर पोटेंशियल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी डैश एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आपको सॉरी टू हायर पोटेंशियल है ध्यान से पढ़ना टू हायर पोटेंशियल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल तो ये हायर पोटेंशियल पे लेके आना है ये मान लो कि ऑलरेडी लोअर पोटेंशियल पे है उसको आपको लेके जाना है हायर पोटेंशियल पे अभी हायर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आपको उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाना है लोअर से हायर लेके जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनक्रीज होगी आपको किसी हायर पोटेंशियल पे ले जाने का मतलब है कि यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा उसकी तरफ लेके जाना यानी उसकी क्लोजर जितना क्लोज़र जाएंगे हम लोग वो हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे यानी जितना क्लोज़र उतना हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव को जब पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी एक सेम आ, सेम रीज़न वही था कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है ओके नंबर सेवन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डैश देखो पोटेंशियल का जो डायरेक्शन नहीं होता उसका बस मैग्नीट्यूड होता है पर उसके डायमेंशन होते हैं तो ये होगा स्केलर एंड डायमेंशन वो स्केलर क्वांटिटी है पर डायमेंशन लेस नहीं है ठीक है स्केलर है पर डायमेंशन होते हैं चलिए नंबर एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मुला होता है वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो यहां पे v कर रहा है 1 R यहां पे आंसर आएगा नंबर पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट अवे फ्रॉम जीरो पॉइंट टू मीटर आपको डिस्टेंस गिवन है जीरो पॉइंट टू मीटर द डायरेक्शन मेकिंग एंगल सिक्सटी डिग्रीज थीटा 60 डिग्री तो आपको बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा वी आपको बताना है तो डायपोल किसी तरीके से ऐसे रखा है जैसे समझ लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात नहीं करी चलिए भी देखते हैं नंबर नाइन

और ये जो एंगल बन रहा है की एक्सिस से वो सिक्सटी डिग्री तो यहाँ पे आपको बताना है कि उसका पोटेंशियल कितना होगा? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है v cos R चलो, कितना है पॉइंट टू का स्क्वायर यानी टू इंटू टेन एस टू माइनस वन का स्क्वायर चलो ये कितना हो जाएगा ऊपर टेन डिश टू प्लस नाइन माइनस नाइन कैंसल थर्टी सिक्स नीचे ये टू का स्क्वायर फोर और इंटू टू और टेन डिश टू माइनस टू बचेगी इधर चलो फोर इंटू टू ये वाला क्या हो जाएगा एट एट और ऊपर थर्टी सिक्स तो मैं इसको करता हूँ फोर से नाइन कैंसिल करो नाइन बाई टू यानी फोर पॉइंट फाइव और ये पावर ऊपर आ जाए आके हो जाएगी टेन डिश टू टू आंसर आ जाएगा फोर हंड्रेड फिफ्टी आंसर आ जाएगा फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी ऑप्शन नंबर सी चलिए नंबर टेन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा इज इक्वल टू जीरो थीटा इज इक्वल टू पाई देखो फॉर्मला है वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अगर आप लोग थीटा को जीरो लेते हो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो ये हो जाएगा के पी अपन आर स्क्वायर और अगर आप लोग थीटा को पाई यानी वन एटी डिग्रीज लेते हो तो उसकी वैल्यू होती है माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर तो जीरो डिग्री पे प्लस के पी अपन आर स्क्वायर और पाई डिग्री पे यानी पाई रेडियन पे माइनस के पी अपन आर स्क्वायर नंबर 11 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मिनिमम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई यानी माइनस पी ई कॉस थीटा अभी ये मिनिमम यानी नेगेटिवली मिनिमम नेगेटिवली मिनिमम का मतलब होता है कि ये नेगेटिवली मिनिमम कितनी पॉसिबल है तो माइनस पी पॉसिबल है वो कब पॉसिबल है तो ये क्या हो जाए वन हो जाए और कॉस थीटा वन कब हो जाएगा थीटा कितना जीरो डिग्री कितना डिग्री जीरो डिग्री तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डाइपोल है वो पैरेलल टू द फील्ड होना चाहिए जीरो डिग्री यानी पैरेलल टू दी फील्ड होना चाहिए जीरो डिग्री यानी पैरेलल टू फील्ड ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें ट्वेल्व एंगल बिटवीन इक्वे पोटेंशियल सर्फिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वे पोटेंशियल सर्फिस में क्या होता है कि एक फेयर है उसके उसकी जो अंदर से मान लो कि कोई चार्ज रखा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा सभी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये ये सर ये स्फेयर जो ड्रॉ किया है वो क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि सेंटर पे अगर चार्ज होगा तो उससे सेम डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट्स है ये पॉइंट भी हो गया ये पॉइंट भी हो गया ये पॉइंट तो उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ऑलवेज क्या रहेगा 90 रहेगा 90 डिग्री यानी पाई बाई टू नाइनटी डिग्री यानी पाई बाई टू आंसर यहां द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द सेम यूनिट एज पोटेंशियल ग्रेडियन देखो पोटेंशियल ये होता है डीवी अपॉन डीएक्स वो होता है माइनस ई e के बराबर यानी हमने फॉर्मुला दिखा था ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डीएक्स पहले क्वेश्चन में तो उसके जैसा ही इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वो किसके बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी चलिए नंबर ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो देखो डाइपोल मोमेंट तभी हो सकती है जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और दोनों के बीच क्या हो एक सेपरेशन हो तो एच सी एल में भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है एच टूओ में भी पॉसिबल है एनओ टू में भी पॉसिबल है एक ही एटम ऐसा है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनते तो वो डायपोल क्रिएट नहीं कर सकता आंसर आएगा एच टू नंबर फिफ्टीन दी चार्ज थ्री इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव कुलम चार्ज थ्री इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव कुलम ऑन अ मेटल स्फीयर ऑफ अ रेडियस थ्री मीटर रेडियस कितनी थ्री मीटर तो आपको बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी डैश एनर्जी आपको बतानी है देखो एनर्जी का फॉर्मुला होता है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन टू सी अभी फेयर के केस में कैपेसिटेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए देखो स्फियर का अगर मैं कैपेसिटेंस लिखता हूं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्र अपॉन टू कैपेसिटन्स होता है एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन डी यानी आपको उसकी रेडियस लेनी पड़ेगी कैपेसिटेंस होता है एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन डी यानी रेडियस लेनी पड़ेगी स्फियर केस में और उसका एरिया आपको पता है कितना होता है टू एपसाइलॉन जीरो फोर पाई आर स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो यहाँ से क्या कैंसल होगा आर कैंसल चला जाएगा यहाँ से आपको आंसर मिलेगा चलो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग क्यू कितना गिवन है थ्री इंटू टेन एस टू माइनस फाइव उसका स्क्वायर डिवाइड बाय टू इंटू फोर एट पाई एप्सिलॉन जीरो और आर आपको गिवन है थ्री यहाँ से एक थ्री कैंसिल हो जाएगा थ्री का स्क्वायर होता ना ऊपर ये थ्री का स्क्वायर नाइन होता नाइन डिवाइड बाई थ्री तो बचेगा थ्री टेन रेस टू माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस टेन डिवाइड आएगा आपका आंसर आएगा थ्री इन टू टेन रेज टू माइनस टेन डिवाइड बाई एट पाई एपसाइलॉन जीरो आपको इतना याद रखना है कि कैपेसिटेंस होता है एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन आर क्या होता है एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन आर डी होता है जनरली

डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और ये एप्साइल ठीक है अच्छा अभी ऑप्शन में क्या क्या गिवन है किस पे डिपेंड नहीं करता डज नॉट डिपेंड चलो एरिया ऑफ द प्लेट पे तो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे भी डिपेंड करता है चार्ज ऑन द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि शेप पे तो डिपेंड करेगा क्योंकि शेप चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा वो चार्ज ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ठीक है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस जो होता है वो एक कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ठीक है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर एटीन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इन फॉर्म ऑफ देखो कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट्स होती है एक पे चार्जेस होता है पॉजिटिव और एक पे चार्जेस होते हैं नेगेटिव तो यहाँ पे बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो एनर्जी जो स्टोर होगी वो आपकी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि सोलिनॉइड के अंदर

अभी सी इक्वलेंट आपको गिवन है फिफ्टीन इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी प्लस वन अपॉन सी चलो वन अपॉन सी को एक तरफ रहने दो वन अपॉन फिफ्टीन ये वन अपॉन ट्वेंटी को सामने ले जाओ माइनस वन अपॉन ट्वेंटी चलो एलसीएम ले सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है अगर समझ में नहीं आता एलसीएम लेना तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो मैं यहाँ पे एल्सीय ले रहा हूँ एलसीयम आएगा सिक्सटी फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से और ट्वेंटी को करना पड़ेगा थ्री से वन अपॉन सी चलो वन अपॉन सी इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री वन अपॉन सिक्सटी तो c हो जाएगा रेसिप्रोकल करके सिक्सटी माइक्रो आपका आंसर हो जाएगा सिक्सटी माइक्रो फेरेट ऑप्शन नंबर डी चलिए नंबर ट्वेंटी इन अ फिगर बिलो द कैपेसिटेंस ऑफ एवरी कैपेसिटर इज थ्री ये जो सारे आपको दिख रहे हैं सारे ये जो बारह कैपेसिटर है दो चार छ आठ दस बारह सबका कैपेसिटेंस है तीन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये सबका इक्वलन निकाल है। अभी आपको एक चीज पता है कि दो अगर सेम वैल्यू के ये तीन, ये तीन ये तीन ये भी तीन ये भी तीन अगर पैरल में होता है पैरल में होता है c1 वन प्लस सी और सीरीज में होता है c1 c2 सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी हाँ और अगर उसमें भी आपके सेम वैल्यू के दो कनेक्टेड है सेम वैल्यू के दो कनेक्टेड है तो आप उसको कर सकते हो c अपॉन एन यानी आप ये दोनों जो ऊपर दिख रहे हैं थ्री और थ्री उसका अगर आप लोग निकालोगे आंसर तो वो आएगा थ्री बाई टू और इससे निकालोगे तो भी थ्री बाई टू आएगा वो तो इसके ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी ध्यान से देखो ए और पी के बीच में ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट इसके बीच की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर जो थ्री और थ्री दोनों है उनका मिलके बन जाएगा वन पॉइंट फाइव अब वो कैसे बन रहा है तो देखो मैं इससे आपको करके बता देता हूँ इससे मैं करके बता देता हूँ वन सी टू कितना होगा थ्री इन थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस थ्री सिक्स नाइन बाई सिक्स तो ये हो गया वन पॉइंट फाइव तो आप सीधा भी कर सकते हो थ्री बाई टू सेम वैल्यू के है तो डिवाइड बाय जैसे रजिस्टर में हम लोग करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे करना है ठीक है नीचे भी कितना आएगा वन पॉइंट फाइव क्योंकि तीन तीन के दो है उसी तरह पी और क्यू के बीच में भी ये थ्री और थ्री ऊपर थ्री और थ्री नीचे तो यहाँ पे ऊपर भी कितना वन पॉइंट फाइव नीचे भी कितना वन पॉइंट फाइव उसी तरह एक और पीछे पी और ये वाला बी B, पॉइंट B आप लोग यहाँ पे समझ लो तो इसके ऊपर भी कितना 1.5 और नीचे भी कितना 1.5 अगर आप लोग पैरेलल की बात करते हो तो पैरेलल में सम हो जाएगा ये दोनों का मिलके कितना बन जाएगा ए e और पी के बीच में कितना बन जाएगा वन पॉइंट प्लस थ्री उसी तरह पी और क्यू के बीच में भी कितना बन जाएगा यहाँ पे भी अगर आप लोग एक कैपेसिटर ड्रॉ करो तो यहाँ पे भी थ्री और Q और ये लास्ट वाला B पॉइंट के बीच में भी कितना बन जाएगा थ्री ये तीनों थ्री थ्री और थ्री यानी ये वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव थ्री बन गया ये बन गया थ्री और ये बन गया थ्री वापिस थ्री थ्री और थ्री सीरीज में है सीरीज में है तो क्या करना है सी इक्वलेंट आ जाएगा C अपॉन एन सेम वैल्यू के है तो जितने हर एक का कितना है तीन ऐसे कितने हैं तीन तो आंसर आ जाएगा वन माइक्रोफेरेट क्या आंसर आएगा वन माइक्रो फेरेट यही चीज हम लोग रजिस्टर वाले में भी करेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसी तरह यहाँ पे भी सर्किट है वहां पे भी सर्किट होती है सेम वैल्यू की अगर कनेक्टेड है सीरीज के अंदर तो आप उसको सिर्फ नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर सकते हो चलिए ट्वेंटी वन द एरिया ऑफ एवरी कैपेसिटर प्लेट शोन इन अ फिगर इज ए द सेपरेशन बिटवीन देम सक्सेसिव प्लेट्स इज डी वॉट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी अभी ध्यान से देखो ए पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा वी ए बी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा वी बी आपको पता है कि जो कैपेसिटर की प्लेट होती है वो अपोजिट पोटेंशियल से कनेक्टेड होती है ठीक है प्लस और माइनस यानी चार्ज अलग अलग होता है यानी कैपेसिटर की जो दो प्लेट होती है वो तभी कैपेसिटर बन सकता है जब ऑपोजिट पोटेंशियल हो अभी आप ध्यान से देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट चलो ए के साथ पहली ये प्लेट है मैं एक प्लेट ड्रॉ कर देता हूँ वन प्लेट नंबर वन और दूसरी है प्लेट नंबर फोर प्लेट नंबर फोर दूसरी है प्लेट नंबर फोर उसी तरह बी से जो प्लेट निकल रही है नंबर टू वो ए के साथ एक कैपेसिटर बना रही है इधर ए के साथ एक कैपेसिटर बना रही है बी वाली बी से जो निकल रही है एक प्लेट। और दूसरी जो प्लेट निकल रही है नंबर थ्री वो फोर नंबर के साथ एक कैपेसिटर बना रही है टू और थ्री के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं बन सकता क्योंकि वो दोनों सेम एंड से कनेक्टेड है सेम पोटेंशियल पे है तो दो कैपेसिटर बनेंगे वन और टू के बीच में थ्री और फोर के बीच में वो दोनों एक दूसरे से पैरल है हर एक का कैपेसिटेंस हम लोग सी मान के चले तो सी हो जाएगा एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन डी तो दोनों का अगर इक्वल निकाले ऐसे दो कैपेसिटर है टू सी हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 a d दो पैरेलल में है तो सम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 a d आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए नंबर 22 इफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज v एंड द एरिया ऑफ अर्थ इज a देन द कैपेसिटेंस विल बी डैश देखो कैपेसिटेंस जो होता है एप्सिलॉन 0 a upon d होता है अभी अर्थ के केस में एप्सिलॉन 0 a क्या लेना पड़ेगा 4 पाई r स्क्वायर और डी लेना पड़ेगा आपको आर के बराबर पिछले क्वेश्चन में हमने किया था आर को हटाओ आंसर आना चाहिए फोर पाई एपसाइलॉन जीरो आर पर ऑप्शन में जो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो वी और ए के फॉर्म में दिख रहे हैं तो यहाँ से किसी तरीके से वी अपॉन ए या फिर ए अपॉन वी लाना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसका एरिया लिख देंगे एरिया क्या होगा फोर पाई आर स्क्वायर उसका वॉल्यूम लिख देंगे फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अच्छा कहीं से हमें आर सेट करना पड़ेगा ठीक है सारे ऑप्शन में पाई अपसाई लोन जीरो तो है ही आर सेट करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं चलो हम लोग वी अपॉन ए कर लेते हैं वी अपॉन ए वी है आपका फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और ए है आपका फोर पाई आर स्क्वायर चलो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा फोर पाई फोर पाई स्क्वायर जाएगा यहाँ से क्यूब हट जाएगा एक आर बचेगा आंसर होगा आपका आर बाई थ्री क्ल टू थ्री वी upon a r is equal to क्या मिलेगा 3v वी बस उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो कैपेसिटेंस बन जाएगा फोर pi epsilon zero थ्री वी अपॉन तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 into टू फोर pi epsilon zero v upon a ऑप्शन में होगा हाँ यहाँ यहाँ पे है ट्वेल्व pi epsilon zero v upon a तो आपको कभी कभी कुछ एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन से थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा वैसे ये जनरली ऑप्शन में होता है पर यहां पे नहीं था कुछ अलग तरीके से उन्होंने बताया है तो आपको ऐसे कर लेना आपको सारे ऑप्शन देख लेना है। सब में ए और वी का कहीं ना कहीं रेशियो आ रहा है तो आप यहाँ ए बाई वी भी लेते तो भी आपको आइडिया लग जाता कि क्या करना है चलिए ट्वेंटी थ्री फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड यू इज डैश तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पी पॉइंट है यही वो पी पॉइंट है और पी और आर के बीच में कोई कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है तो इसका मतलब पी और आर सेम पॉइंट है यानी पी जो पॉइंट है वही आर पॉइंट है उसी तरह यहाँ से जो क्यू पॉइंट है वही एस पॉइंट है और वही आपका टी पॉइंट है यानी यहाँ एस और टी शॉर्ट सर्किट है क्यू एस टी शॉर्ट सर्किट का मतलब ये कैपेसिटेंस अभी कोई इफेक्ट नहीं करेंगे सर्किट में क्योंकि एस और टी क्या हो गए यहाँ से सीधा कनेक्ट हो गए कैपेसिटेंस का काम खत्म हो गया और पीछे एक और पॉइंट है आपका टी के साथ यहाँ पे यू अभी ध्यान से देखो ये वाला जो कैपेसिटर है वो है पी और क्यू के बीच में पी और क्यू के बीच में उसी तरह एक और कैपेसिटर है क्यू और आर के बीच में एक और कैपेसिटर क्यू और आर के बीच में यहाँ पे उसी तरह एक नेक्स्ट जो तीसरा कैपेसिटर है सी थ्री वो आर और एस के बीच में आर और एस के बीच में यानी यहां से आएगा वो सी वन सी टू सी थ्री फिर जो फोर और फाइव थे वो तो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, क्योंकि सर्किट सीधा यहाँ से कनेक्ट कर दिया है ठीक है एक और है टी और यू के बीच में वो है आपका सी सिक्स यहाँ से लेके ये पॉइंट से लेके इधर ये है आपका सी सिक्स सभी कैपेसिटर की वैल्यू आपको सी गिवन है अच्छा ये सी वन सी टू सी थ्री में है तो ये तीनों का क्या हो जाएगा पी एंड क्यू उसके बीच में अगर सिंपली बात करें चलो पी और क्यों नहीं लिखते हम लोग सी वन सी टू सी थ्री इक्वलेंट इसका क्या निकलेगा इक्वलेंट ऑफ सी वन सी टू सी थ्री उसको सी uh, डैश नाम दे दे तो वो हो जाएगा थ्री सी के बराबर क्योंकि पैरेलल में क्या होता है सम होता है उसके साथ ही जो सी सिक्स वाला है सीरीज में है यानी थ्री सी इनका थ्री सी और ये सी सीरीज में है तो जो पूरा इक्वलेंट आएगा वन अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री सी प्लस वन अपॉन सी चलो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं या फिर मैं इसको थ्री सी एलसीएम ले लेता हूं तो यहां पे आएगा थ्री सी यहाँ पे वन रहेगा और यहां पे थ्री आ जाएगा तो आपका वन अपॉन सी इक्वल फोर बाई थ्री सी तो आंसर सी क्या आ जाएगा थ्री सी अपॉन फोर आंसर आ जाएगा थ्री सी अपॉन फोर ऑप्शन नंबर डी ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है आपको उसको याद रखना है ठीक है ये हो रहा है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ

कनेक्ट करना है दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर। यानी जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया था इसके ऊपर एनर्जी थी यू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एनर्जी ऑफ वन कैपेसिटर पहले केस में ठीक है इनिशियली, इनिशियली, इनिशियली दूसरे खाली कैपेसिटर अनचार्ज से कनेक्ट कर दें इसकी तो यू है और इसकी है इनिशियली जीरो तो ये करेगा क्या कि यहाँ पे प्लस चार्ज था यहाँ पे माइनस इस पे टोटल चार्ज था क्यू तो आधा चार्ज इसको दे देगा चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा सबको बताया चैप्टर नंबर वन का तो अभी बाद में क्या होगा कि आफ्टर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग तो दोनों के ऊपर चार्ज सेम हो जाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी देखो एनर्जी अभी यू डैश इज इक्वल टू देखो चार्ज चेंज हो रहा है चार्ज कितना हो रहा है क्यू बाय टू दोनों पे चार्ज हो जाएगा क्यू बाई टू तो क्यू बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू सी तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ अपॉन फोर इन टू टू सी मैं टू सी को पीछे रहने देता हूँ ये जो, ये जो उसके स्क्वायर को मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा देखो अपॉन अपॉन तो क्या है आपका? 2C है आपका आपकी इनिशियल एनर्जी तो डिवाइड बाय फोर हुआ बस तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यू बाई फोर देखो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में है शायद टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर लास्ट है हरेक की एनर्जी ईच की कितनी हो जाएगी यू बाय फोर अच्छा यहाँ पे आपको सिस्टम की भी पूछते हैं कभी कभी यहां पे आपको पूछा है व्हाट विल तो यू बाई फोर प्लस क्या आंसर आएगा U by रखना इसके अंदर थोड़ा सा एग्जाम के अंदर चलिए नंबर ट्वेंटी फाइव थ्री कैपेसिटर ऑफ इज टू थ्री एंड फोर आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल पैरेलल में क्या होता है सिंपली टू प्लस थ्री प्लस फोर आंसर आ जाएगा सेवन पी को सॉरी आप टू प्लस थ्री प्लस फोर नाइन पी को फेरेड आंसर आएगा नाइन पी को फेरेड चलिए नंबर थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज वट इज द टोटल दस देखो जब भी सीरीज कनेक्शन होता है सी इक्वलेंट अगर सेम वैल्यू के है तो बस डिवाइड बाय एन कर दो रेजिस्टर में भी यही कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में अगर निकालना है पैरेलल सेम वैल्यू के एन नंबर ऑफ रेजिस्टर एन टाइम सी कर लो और सीरीज के लिए क्या कर लो इधर

ये हो जाएगा सी अपॉन एन यानी समझ लो कि आपके पास है टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन यानी ऐसे दस कैपेसिटर आपने सीरीज में कनेक्ट करे तो क्या होगा जैसे समझ लो कि ये तीन हो गए ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करोगे डिवाइड बाय टेन हो जाएगा कॉमन ऊपर आ जाएगा थ्री ये वन अपॉन सी इक्वल तो सी इक्वल क्या हो जाएगा टेन बाय थ्री तो यही कंसेप्ट से हम लोग सी बाय वाला आंसर लिखते हैं कोई भी सेम वैल्यू के कैपेसिटर जितने भी हो अगर वो सेम वैल्यू है तो बस नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देना है आंसर आएगा ट्वेंटी सेवन चलिए ट्वेंटी एट इफ पी इज पोलराइजेशन फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक अर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड देन फील्डिबिलिटी देखो एक आपको एक फॉर्मला बताया पी इज इक्वल टू काई काई ई तो क्या होती है पी अपॉन ई ससेप्टेबिलिटी जो होती है पी अपॉन ई आंसर आएगा पी अपॉन ई टेक्स्ट बुक में सीधा आंसर है इसका ट्वेंटी नाइन दर्क डन टू मूविटार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस देखो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का मतलब होता है हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना अभी वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वर्क हो जाएगा आपका जीरो

एरिया बताना है और डिस्टेंस है वन मिलीमीटर वन मिलीमीटर यानी टेन टू माइनस थ्री चलो ये कैंसल हो जाएगा एरिया को सब्जेक्ट बना लो एरिया को एक तरफ रहने दो ये थ्री ऊपर जाएगा माइनस सिक्स माइनस थ्री और ये वाला माइनस ट्वेल्व नीचे आएगा चलो ऊपर होगा माइनस नाइन और नीचे से आएगा माइनस ट्वेल्व ऊपर आके प्लस ट्वेल्व तो ऊपर प्लस ट्वेल्व माइनस नाइन यानी बचेगा थ्री आंसर आ जाएगा टेन डिज टू थ्री तो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो रहे थर्टी एम सी क्यूज आई होप कि आपको सारे एम सी क्यूज समझ में आए हैं इसकी मैं पी डी एफ फाइल जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन रहिए ताकि मैं आपको सारी पी डी एफ फाइल प्रोवाइड कर सकूँ